क्या देख रहे हो भाई? ये ऐसे ही है, 20-30 रुपए की चीज लेने के लिए इतना देख रहा टटोल रहा है, लेकिन ऑनलाइन से हजारों रुपए की शॉपिंग करता है, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, जिसमें कुछ देखता नहीं है, सिर्फ फोटो देखकर ले लेता है और बाद में पछताता है। तो क्या करूँ? चल मेरे साथ कोयल इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ पे तू एक ही जगह पे सारी चीजें खरीद सकता है, जैसे फ्रिज है, एसी है, टीवी है, और साथों साथ तू वहाँ पे चीजों को देख सकता है, टटोल सकता है और फिर खरीदना है। अगर तेरे पास पैसे का प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, वहाँ पे फाइनेंस की भी फैसिलिटी है, सेम डे डिलीवरी होगा तेरे घर पे सामान। चल कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक। पिछले 11 सालों से मुंब्रा का सबसे भरोसेमंद कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक अब दोस्त अपार्टमेंट से शिफ्ट होकर और बड़ा शोरूम न्यू नैशमन कॉलोनी डॉक्टर दादन के पास है, तो आज ही आइए कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स। महेश जामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महारल गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक युवक का नाम महेश जानू उर्फ राजन हेडकर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि उल्लास नगर के महारल गांव में सोमवार देर रात हुई फायरिंग में 20 साल के युवक की गोली मारकर हत्या करने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि 20 से भी ज़्यादा लोगों के इस गैंग ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। मृतक युवक महेश जानू उर्फ राजन हेडकर अपने 3 साथियों के साथ पार्टी करने के लिए महारल गांव के पास एक खदान पर बैठे हुए थे। चश्मदीदों का कहना है कि आए हुए लोग पहले हवा में 2 राउंड फायरिंग की और फिर तीसरी गोली महेश जानू के सीने पर मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और हमलावर भाग निकले। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अनुमान लगाया है कि हत्या पूर्व नियोजित थी। टिटवाला पुलिस और सेंट्रल पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपियों की तलाश के लिए टीम भी गठित की गई है। काय केलं त्या लोकांनी? डायरेक्ट फायरिंग केली। कशा बद्दल काय ते आपल्याला माहिती नाही, त्या पोराची काय असेल काय नाही। हा पोरगा कोण आहे, याचं नाव काय? मित्र आहे। याचं नाव काय? याचं नाव जानू, जानू आम्ही बोलतात, त्या ओरिजिनल नाव राजन आहे, राजन हेरकर। हा कुठं राहिलाय? मालगाव। कशाबद्दल फायरिंग केली ते माहिती नाही सर। ते आले 20-25 जण, आमच्या वरती दगडफेक झाली, आम्ही पळालो, पोरावरती फायरिंग झाली। अच्छा, काय यांचं काय जुना काय राग बिग होता का काय? ते आपल्याला माहिती नाही, त्या दोस्ती आले मध्ये काय माहिती नाही। तुम्ही कुठे होते सगळे? आम्ही खदानीमध्ये बसलेलो होतो, आमचा एन्जॉय करत होतो, आम्ही आमचा पार्टी करत होतो। पोरावरती येऊन डायरेक्ट 20-25 जण आले, डायरेक्ट तिथून 2 गोळ्या आधी फायरिंग झाली, मग नंतर तिसरी गोळी चालू लागली। काय होतं त्यांच्या हातामध्ये ते माहिती नाही सर आपल्याला। सामान विमान सगळं होता, बंदूक होता, ते डायरेक्ट आमच्यावरती डायरेक्ट चालू होता। आम्ही पळालो, आम्ही 4 जण होतो, आम्ही आमचा एन्जॉय करत होतो, आमच्यावरती डायरेक्ट येत होता, डायरेक्ट फायरिंग झाली, तिथं डायरेक्ट येऊन पोराला गोळी लागली। ज्याच्यावर फायरिंग झाली त्याचं नाव काय आहे? जानू। जानू राजन हेरकर नाव आहे त्याला, आम्ही जानू बोलतात। त्या पोराला नाव राजन हेरकर आहे, बापाचं नाव नाही माहिती। त्या पोराचं नाव राजन हेरकर आहे, त्याला आम्ही जानू बोलत आहे। म्हणजे कशा कारणावरून झाली, काय कारण सर आपल्याला ते माहिती नाही, काय कारण झाली काय नाही, ते त्यांचं काय राग असेल ते आपल्याला माहिती नाही। ओके, आता पोलीस स्टेशनमध्ये कंप्लेंट केली का तुम्ही? नाही सर, अजून काय नाही झालं आहे, 1 घंटा झाला आम्हाला इथे येऊन, अजून काही कारवाई नाही झाली।